बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें हमने फैक्टर्स डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हमने लिखने थे और उन फैक्टर्स में से हमने जो कॉमन फैक्टर आ रहा है सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल उसमें लिखते थे। तो मल्टीपल हमने फाइंड करने थे और उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना था, एलसीएम फाइंड करना था, ठीक है। लेकिन आज हम एलसीएम फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है कि इसमें हम प्राइम नंबर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, और प्राइम नंबर पर इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। आए स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम, इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अब एलसीएम के बारे में देख लें कि एलसीएम होता है जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं एलसीएम। तो इसमें कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है वो नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएं, 18 के फैक्टर बनाएं, 2 पे करें 2 9 द 18, ठीक है। फिर ये 3 भी होगा, 3 3 द 9, ठीक है। उसके बाद 3 1 द 3। इसी तरह 24 के फैक्टर बनाएंगे हम, 2 2 1 द 2 2 2 द 4, 2 पे करेंगे 2 6 द 12, 2 पे करेंगे 2 3 द 6, फिर 3 पे करेंगे 3 1 द 3, ठीक है। अब इसमें हमने करना है, अब इन्हीं के ना प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 3 है, 2 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, या प्रोडक्ट कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें आप कॉमा भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये कॉमन है, अब ये शायद जो है इसमें वो नज़र नहीं आ रहा, इसको हम नीचे कर लेते हैं, शायद ये ना वाइट बोर्ड में नज़र नहीं आ रहा, अभी इसको यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद फिर 3 है, ठीक है। आगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक है। अब इसमें हमने देखने हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक कॉमन फैक्टर ये है, ठीक है, एक कॉमन फैक्टर ये, और इसमें नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, अब इन दोनों में से हमने एक को लिखना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ यहाँ लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, इसमें 2 है, फिर 3 है,
और नॉन कॉमन का ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। अब ये क्या, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 6 3 18, 6 3 18, 2 36, 36 2, पर ये भी बचता है ना 2, इसको 2 को इसके लिखा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, हमारा जो LCM है वो क्या आएगा, LCM इज इक्वल टू, LCM हम लिखें, LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन कौन कौन से, हमारे पास 2 है, 3 है, 3 है, 2 है और 2 है, 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 3 दा, और ये 72 आ जाएगा। LCM क्या आ जाएगा हमारे पास, 72। इस तरह हमने प्राइम फैक्टर्स के जो LCM है वो ऐसे हमने फाइंड करने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 और 14, पार्ट्स का टू है 16 और 14, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना, 16 के फैक्टर बना लें, 16 के फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं, 2 4, 2 का टेबल पढ़ें, 2 4 8, 2 8 16, ठीक है। उसके बाद 2 का टेबल पढ़ें, 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2, ठीक है। इसी तरह हमने 40 के फैक्टर बनाने, ठीक है, 40 के फैक्टर बना लिया ऐसे, 2 2 4, ठीक है। ये 0 बच गया, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 2 0 एज इट इज आर, ठीक है। तो इसमें 2 का टेबल, 2 5 10, 5 1 5, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, यहाँ से लिख लें प्राइम फैक्टर्स, यहाँ से स्टार्ट करें, थोड़ा सा जगह कम है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 कौन कौन से हैं, 2 है और 2, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 कौन कौन से हैं, 2 है फिर 2 है फिर 2 है और ये 5, ठीक है। इसमें हमने लेने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमने इसमें फाइंड करने, और इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से, ये कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स 2 2 2, ये कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 है
और 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स कॉमन एंड नॉन कॉमन कॉमन फैक्टर्स, क्या प्रोडक्ट है उसका। ठीक है, टू मल्टीप्लाइड बाय फाइव। ठीक है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आता है, 80 आंसर आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो LCM है वो कितना आ जाएगा, LCM क्या आ जाएगा इसमें, 80। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने, तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा ना, इसमें आंसर ये है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स का जो मल्टीपल है वो हमने ऐसे ही लिखना है। तो LCM बेटा होता है नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको 16 को का टेबल हमने पढ़ा, ठीक है, और 16 के क्वेश्चन किया, सॉरी 2 का टेबल पढ़ा, 8 बन गया, फिर 2 पे मतलब इसको ना फैक्टराइजेशन की। ठीक है, इस तरह 40 के 2 के लिहाज से किया हमने। तो इसमें ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 है, और उसमें कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर हमने अलग अलग किए हैं, और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो कितना आया, 80 आया। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो LCM है वो कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने, जितने भी हमें क्वेश्चन दिए गए वो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इसका ऐसे ही क्वेश्चन करने, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसका जो अगला पार्ट है इसमें डिवीजन मेथड है इसके, फ़िलहाल तो ये क्वेश्चन ये करवाएँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर पास बुक्स हैं तो उनको वहाँ से देख के क्वेश्चन खुद ट्राई करें, और ये मेथड इसका यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तो उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।